हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रीबॉक एंड ऑथराइजेशन जो फीचर है MIUI का, और शायद आपको और भी एंड्रॉयड फ़ोन से आप यूज़ करते हैं तो उनमें भी आपको ये फीचर मिल जाएगा, तो इसका क्या यूज़ है, इसे आपको क्यों बंद करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो गाइस, सबसे पहले तो देखिए, अगर आपको अपने किसी भी एंड्रॉयड ऐप में ऐड दिखाई देती है, या मोस्टली आप प्ले स्टोर जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उनमें सभी में ऐड दिखाई देती है, इन ऐप परचेज और कंटेंट ऐड जिसमें लिखा रहता है उसमें ऐड चलती है, तो ऐड भी आपको दिखाई देती है, और वो ऐड जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं कुछ ही दिनों में उसको आपको ऐड दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसा कुछ रीज़न की वजह से होता है। अब देखिए, सारी चीज़ें तो हम यहाँ पे एंड्रॉइड फ़ोन्स में बंद नहीं कर सकते, डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ फ़ीचर्स ऐसे हैं जो कि आपके ऐड को रन करने में मदद करते हैं, तो इनको आपको ऑफ़ करना चाहिए। और देखिए, ये जो रिवोक एंड ऑथराइजेशन फिलअप फीचर है, ये आपके फ़ोन में कोई भी स्मूथनेस या फ़ोन को फास्ट करना, फ़ोन के ऐप्स को ऑप्टिमाइज रखना, रैम CPU से रिलेटेड ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है। और ये जो एप्लीकेशन का जो फीचर है, बेसिकली ये क्या करता है, आपके जितने भी ऐप्स आप यूज़ करते हैं उनमें जो भी डेटा है, पर्सनल डेटा है, फाइल्स है, कॉन्टैक्ट है, लोकेशन है, जो कि लोकेशन आप देखेंगे तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस आपके लोकेशन का परमिशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट शायद सारे ऐप्स नहीं एक्सेस करते, लेकिन कॉन्टैक्ट्स और जो लोकेशन जो है, ज़्यादातर ऐप जो है आपका परमिशन एंड्रॉइड फ़ोन का लेके रखते हैं, तो ये शेयर करते रहते हैं कंटिन्यूसली डेटा को। और अब देखेंगे कि आपको ये जो फ़ोन में लैग क्रिएट होना, थोड़ा सा GPS अगर आपके फ़ोन में इनेबल रहे तो फ़ोन में कोई भी ऐप वो ओपन होने में टाइम लगना, स्विचिंग के बीच में आपकी जो ऐप है वो क्रैश हो जाती है, तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ये होती है ऐड ज़्यादा रन होने से, या फिर ऐड की जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपके फ़ोन में वो ज़्यादा रन हो रही होती हैं और आपकी मेन ऐप आप रन नहीं कर पाते, और सिस्टम की जो ऐप्स हैं या फिर थर्ड पार्टी ऐप्स वो अपनी ऐड चलाने की एक्टिविटीज़ को ही रन करती रहती है। तो इनको अगर आपको ऑफ़ करना है, कुछ हद तक कम करना है, तो ये जो रिवोक एंड ऑथराइजेशन वाला फ़ीचर है आपके एंड्रॉइड फ़ोन में, ये आपको बंद करना होगा। इसके लिए आप जाइए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, और यहाँ से आप चले जाइए प्रोटेक्शन वाले, ये प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे और भी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, कितने सारे ऐप्स को ये जो परमिशन है वो अलाउ है। स्पेशली आप देखेंगे इसमें तो MSA यानी कि MIUI सिस्टम ऐड्स, ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली आपके फ़ोन में ऐड पुट करने के लिए, ऐड चलवाने के लिए सिस्टम से डेटा लेती है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ के बारे में जानते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको वैसे ही ऐड्स शो करी जाती हैं, तो इनको आप ऑफ़ कर दीजिए। एक्चुअली ये सारी ऐप्स जो है आपका डेटा थोड़ा सा कलेक्ट करती हैं, एंड देन उसके बेसिस पे आपको ऐड्स दिखने जो है ऐड चलती है एक्चुअली, ठीक है, तो इनको आप ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आफ्टर यू रिवोक ऑथराइजेशन द ऐप विल बी स्टॉप कलेक्टिंग डेटा एंड ऑल द रिलेटेड डेटा विल बी डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर्स, दिस माइट मेक द ऐप वर्चुअली अनयूजेबल रिवोक ऑथराइजेशन एनीवे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप ये जो रिवोक ऑथराइजेशन करते हैं तो इससे आपका जो भी ऐप के थ्रू जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा पूरी तरह से, और जो भी अवेलेबल डेटा होगा वो डेटा सर्वर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप रिवोक कर दीजिए इस तरह से, ओके। सो रिवोकिंग हो रहा है ऑथराइजेशन, एंड इसके बाद ये सारे ऐप्स जो भी हैं, आपको जो भी अनयूजबल लगते हैं, आप सभी का जो डेटा है वो इस तरह से बंद कर सकते हैं डेटा कनेक्शन, यानी कि आपके फ़ोन से जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है आप इसको बंद कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये जो एप्लीकेशन ये डेटा कलेक्ट नहीं करेगी, तो इसी तरह से सारे ऐप्स को जो है आप ये जो ऑथराइजेशन है वो रिवोकेशन है वो आप कर दीजिए, ठीक है। ऑथराइजेशन यानी कि आप एक्चुअली इन एप्लीकेशंस को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, डेटा दे रहे हैं अपने लोकेशन का, फ़ोटोज़ का, और जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है उनमें अगर कोई ऐसी चीज़ है या फिर अदर टाइप ऑफ डेटा जो भी हो सकता है, एनालिटिकल डेटा होता है, कुछ जो चीज़ें आपके फ़ोन में स्टोर तो नहीं है लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, जो चला रहे हैं, वो भी डेटा होता है, वो जनरेट होता है और वो यूज़ होता है, वो कभी स्टोर नहीं होगा आपके फ़ोन में, ठीक है। सो वो जो सारा डेटा होता है, लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं, वो इन एप्लीकेशंस को शेयर होती हैं, एंड देन ये जो एप्लीकेशन है ये उसके अकॉर्डिंग इनमें आपको ऐड दिखाई देगी। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ऐड आपको इन्हीं MIUI वाले ऐप्स में दिखाई देती होगी, जैसे कि कैलेंडर हो गया, अपडेटर ऐप में नहीं दिखाई देता, सिक्योरिटी ऐप में दिखता है, MSA ये तो ऐप ओपन ही नहीं होता एक्चुअली, ये ऐप ओपन नहीं होते, फीडबैक में शायद आपको दिख जाए, डाउनलोड्स में दिखाई दिया है मुझे कभी कभी, और इसके बाद यहाँ पे गेट ऐप्स तो
पूरा ही जो डेटा से भरा हुआ है, सॉरी एड से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐड जो है, एप्लीकेशन के ऐड हो गए, कई सारे ऐड आपको दिखाई देते रहते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले फ़ीचर को यहाँ से जा कर के इनेबल ऑथराइजेशन वाला जो फ़ीचर है, इसमें से आप अपने सारे जो ऑथराइजेशन हैं वो उनको रिवोक कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं, जिससे एप्लीकेशंस जो सिस्टम ऐप्स है वो आपके जो पर्सनल डेटा है उसको कलेक्ट करना बंद कर देंगे, और इससे आपके फ़ोन में जो भी ऐड एक्टिविटी होती है वो बंद हो जाएगी। आपके फ़ोन का जो CPU है, रैम है, वो फ्री अप होगा, फ़ोन स्पीड अप होगा, और ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल रहते हैं, लेकिन कोई भी इनको ऑफ नहीं करता है। बिकॉज कंपनीज जब भी एक फ़ोन बनाती हैं तो सभी जो है डेटा डालने के बाद डेटा कलेक्ट करते हैं और उससे जो है ऐड रन करके वो कमाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अगर अपना फ़ोन फास्ट रखना है तो आपको अगर ऐसा लैग फ्री देखने को मिलता है या फिर ऐड ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आप इन ऐप्स के जो फीचर्स हैं इनको बंद कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।